तो देखिए, आज का काल चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप मिस मत कीजिए, क्योंकि एक समाधान जब आपके जीवन में आ जाएगा तो आपको सारी सफलता मिलेगी। लेकिन अपने दर्शकों को पंडित जी ये भी बता दें कि कल का भी काल चक्र बहुत खास होगा, क्योंकि महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि पंडित जी, जो कि आप देखते हैं कि बहुत आसान और ऐसे उपाय बताते हैं जो कि आपके जीवन में सुख शांति लाती है, और कल पंडित जी हमारे साथ मौजूद होंगे और छठ पूजा के बारे में जानकारी देंगे और विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि कल शाम का अर्घ भी है। वहीं आज की बात कर लेते हैं, तो देखिए आज काल चक्र में पंडित जी कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे धन, दौलत, सफलता, आत्मविश्वास सभी मिल जाएगा। पंडित जी, मैं बहुत ज्यादा इच्छुक हूं ये जानने के लिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है उसे साहस मिले, आत्मविश्वास मिले, दौलत मिले, सफलता मिले, सम्मान मिले। लेकिन ऐसा आज आप क्या बताने वाले हैं, वो कौन सी ऐसी चीज बताएंगे जिससे ये सारी चीजें एक साथ मिल जाए? देखो, ऐसा है अंजलि, आज हम एक रत्न के बारे में बात करेंगे। एक रत्न के बारे में बात करेंगे, वो रत्न है लहसुनिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैटाई, और शुद्ध संस्कृत में इसको कहते हैं वैदूर्य मणि। संस्कृत में क्या कहते हैं? वैदूर्य मणि। हिंदी में कह देते हैं लहसुनिया, अंग्रेजी में कहते हैं कैटाई। ये केतु का रत्न है, तो ये लहसुनिया रत्न नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। लहसुनिया ठंडी प्रकृति का रत्न है। लहसुनिया अपना प्रभाव धारण करने के 30 दिनों के भीतर दिखा देता है। लहसुनिया पहनने से जागरूकता और सतर्कता में वृद्धि होती है। लहसुनिया पहनने से निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। लहसुनिया पहनने वाला व्यक्ति दिल और दिमाग की उलझनों से बाहर निकल पाता है और सही निर्णय ले पाता है। लहसुनिया धन और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करता है। लहसुनिया असफलता के भय को कम करता है और व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है। लहसुनिया आत्मविश्वास और साहस को बढ़ा करके व्यक्ति को नए अवसर प्रदान करता है। लहसुनिया पहनने से व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करता है। लहसुनिया पहनने वाले नजर दोष से बचते हैं, इसलिए बच्चों को भी लहसुनिया का लॉकेट पहनाया जा सकता है। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि हमारे यहाँ दो प्रकार के दशाओं का प्रचलन है, एक अष्टोत्तरी दशा, एक विंशोत्तरी दशा। विंध्याचल पर्वत के उत्तर तरफ निवास करने वाले लोगों को विंशोत्तरी दशा, और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में निवास करने वालों के लिए अष्टोत्तरी दशा का निर्णय ज्योतिष शास्त्र में किया जा सकता है। विंशोत्तरी दशा क्या है, जो यहाँ उत्तर भारत में लागू है? वो है खडादित्ये दशेन्दु च सप्तवर्षाणि मंगल राहु अष्टादशश्चैव षोडशाब्दा बृहस्पति एकोनाविंशत् शनि बुधै सप्तदशैव तु केतुश्च सप्तवर्षाणी भृगुच वर्ष विंशति। इसका मतलब है कि 120 वर्षों को 9 भागों में विभाजित किया गया है। सूर्य की महादशा 6 साल, चंद्रमा की महादशा 10 साल, मंगल की महादशा 7 साल, राहु की महादशा 18 साल, बृहस्पति की महादशा 16 साल, शनि की महादशा 19 साल, बुध की महादशा 17 साल, केतु की महादशा 7 साल और शुक्र की महादशा 20 साल। जिन लोगों की जन्म कुंडली में जब केतु की दशा आती है 7 वर्षों की, और केतु अगर कुंडली में पॉजिटिव फलादेश करने वाला है, पॉजिटिव फलादेश माने सकारात्मक फल देने वाला है, ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे यद यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम।
कहने का मतलब है कि जिन ग्रहों के स्थान में केतु बैठता है उन ग्रहों के बलाबल के अनुसार केतु अपना फल करता है। केतु की उच्च राशि जो है वो वृश्चिक राशि है और राहु की उच्च राशि वृषभ राशि है, लेकिन इसमें हमारे ग्रंथों में मतभेद है। जैसे लग्न चंद्रिका कहता है कि राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है और केतु धनु राशि में नीच का होता है। अब आप कहेंगे कि इतना विभेद क्यों है, तो देखिए हमने जो जीवन में अनुभव किया है, जन्म कुंडलियों को देख करके, लोगों के जीवन को समझ करके, लोगों की जीवनी को देख करके, तो मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि सही बात यह है कि राहु को मिथुन राशि में ही उच्च का मानना चाहिए और केतु को धनु राशि में ही उच्च का मानना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि में राहु को उच्च मान करके फलादेश करने में विसंगति आती है, ऐसा मेरा अनुभव है। ये मैं किसी के ऊपर अपने विचार थोप नहीं रहा हूँ, बल्कि जो शास्त्रों में लिखा है वो भी बता रहा हूँ, जो अपना अनुभव है उसे भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो लहसुनिया पहनने का महत्व और इसके लाभ तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन बिना किसी विशेषज्ञ के सलाह के अगर आप लहसुनिया धारण कर सकते हैं तो इसके भयानक परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि रत्न अगर कुछ दे सकते हैं तो कुछ छीन भी सकते हैं, रत्न अगर कुछ देते हैं तो कुछ हरण भी करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जो रत्न हमारे लिए लाभकारी हो इसको कोई विशेषज्ञ ही समझ करके आपको परामर्श दे सकता है। हल्की फुल्की जानकारी रखने वाले लोग, ज्योतिष को गंभीरता से न समझने वाले लोग, अनुभव का जिनके पास अकाल है, ऐसे लोग अगर लहसुनिया या नीलम प्रिस्क्राइब करते हैं पहनने के लिए तो आपको सावधान होना चाहिए और 100 बार सोचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लहसुनिया नहीं पहनेंगे तो भले चमत्कार नहीं होगा लेकिन आपका विनाश नहीं होगा, लेकिन अगर केतु अशुभ है और आपने लहसुनिया पहन लिया तो महातांडव मच जाएगा जीवन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही ये लहसुनिया बैदूर्य मणि कैट आई जो कहते हैं इसको धारण करना चाहिए। आगे इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप गंभीरता से सुनिएगा, समाधान भी मिलेगा। जय माँ विंध्यवास। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है, मैं, हमारे दर्शक भी, इनफैक्ट मैंने भी बहुत बार देखा है कि ज्ञान का अभाव होता है, बहुत कुछ हम ऐसा धारण कर लेते हैं। हालांकि आपने लोगों को अवेयर भी किया कि देखिए नहीं पहनना, ठीक है चमत्कार नहीं होगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। पंडित जी, आपने इसके महत्व को बताया और खासतौर पर लहसुनिया रत्न पहनने के क्या लाभ होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जो विशेषज्ञ की राय नहीं लेते हैं, अगर ऐसा कर लेते हैं तो क्या नुकसान होगा और इसके महत्व को कैसे समझें कि विशेषज्ञ की राय से ही लहसुनिया पहनना चाहिए। देखो ऐसा है, मैं बताऊं तुम्हें एक घटना है, जब हमारी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा उस समय 23-24 साल रही होगी जी, तो एक सराफा की दुकान थी भदोही में, गोपीगंज एक जगह है वहाँ पे जी, और एक बड़े माने जाने सराफ हैं राजा राम रमाकांत के नाम से, तो उनके यहाँ उनके एक परिचित जो है बड़े प्रतिष्ठित घर के और मुसलमान थे, अच्छा, वो आए बोले ये सब यार रतन उतन वाला मामला समझ में नहीं आता है, ये रतन क्या करता है, कुछ नहीं करता है। तो जो दुकान के मालिक थे उन्होंने कहा नहीं रतन का तो काम होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। कहें मुझे कोई रतन दे करके आप कुछ दिखा दीजिए प्रभाव। अच्छा। कहें एक रतन तो मेरे पास ऐसा है जिसका 24 घंटे में आपको प्रभाव दिख जाएगा। कहें दिखाइए कौन सा रतन है। तो उन्होंने एक नीलम था उसको दिखाया, तो उन्होंने कहा अच्छा लो मैं पहन लेता हूँ, इसका कह दो मुझे 24 घंटे में कुछ दिखाया सर। और वो पहन करके मोटरसाइकिल से 10 मिनट बाद चले और वहाँ से 1 किलोमीटर पश्चिम एक पावर हाउस है, वहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया। इधर वो आ गए हॉस्पिटल और उधर घर पे उनका मतलब कि उनकी पत्नी कुएं पे जल निकाल रही थी और कुएं की रस्सी टूट गई और उसको बचाने के चक्कर में वो कुएं में गिर गई। इधर हॉस्पिटल में अपने आए हैं, उधर घर से पत्नी आई है, तो सबसे पहले होश में आने पर उन्होंने क्या कहा कि ये रत्न निकाल लो।
तो रतन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप ढिठाई मत करिए रतन से। मैं बहुत आवश्यक होने पर रत्न लिखता हूँ। चार बार लोग कहेंगे गुरुजी कोई रतन लिख दीजिए, गुरुजी कोई रतन लिख दीजिए, तो चार बार कहने के बाद सोचता हूँ कि कौन सा रत्न। क्योंकि देखिए भाई, मनुष्य कोई कबूतर नहीं है, कोई चूहा नहीं है कि उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो फिर मर गया तो कोई बात नहीं। जैसे क्या होता है, दवाइयाँ बनती हैं तो पहले उसका चूहे पर एक्सपेरिमेंट होता है, छोटे छोटे जीव जंतुओं पर एक्सपीरियंस होता है, फिर वो मनुष्य के लिए दी जाती हैं। तो मनुष्य कोई चूहा तो नहीं है, कोई कबूतर तो नहीं है कि उसके ऊपर हम एक्सपीरियंस करें। अच्छा, दूसरी बात, कुंडली भी एक नहीं होती है, कुंडली दो होती है, एक लग्न कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती है। मैं 90% ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें अभी ये विवेक करने की क्षमता नहीं है कि किस व्यक्ति की लग्न कुंडली प्रभावी है, किस व्यक्ति की चंद्र कुंडली प्रभावी है। ज्ञान ही नहीं है इस विषय का निर्णय करने की कि किसकी लग्न कुंडली प्रभावी है, किसकी चंद्र कुंडली प्रभावी है। लग्न कुंडली से जो रत्न पहनाया जा सकता है वो चंद्र कुंडली से नुकसानदेह भी हो सकता है, और चंद्र कुंडली से जो रत्न पहनाया जा सकता है वो लग्न कुंडली से नुकसानदेह हो सकता है। तो इसके लिए सम्यक ज्ञान और सुलझा हुआ व्यक्तित्व और अनुभवी व्यक्ति ही अच्छे रत्न आपको धारण करा सकता है। रत्नों का नाम तो सब जानते हैं, और लोग दूसरों को इसलिए लिख देते हैं कि रतन फायदा करे या नुकसान करे, सामने वाले का नुकसान होगा, मेरा क्या नुकसान होगा। और अक्सर लोग तो रतन बताने वाले रतन बेच भी देते हैं। हमारे पिताजी कहते थे कि अगर कोई ज्योतिषी रतन बेचे या जंतर मंतर बेचे और उसका पैसा ले तो निश्चित रूप से अगले जन्म में अजगर होता है। इसलिए ज्योतिषी को सिर्फ और सिर्फ प्रभु को साक्षी मानकर अपनी दक्षिणा स्वीकार करनी चाहिए। दक्षिणा में आप 1,00,000 ले लीजिए, अगर आपकी दक्षिणा बनती है आप 1,00,000 ले लीजिए, वो आपके लिए दोषी नहीं है, लेकिन बता के लीजिए कि मेरी ये दक्षिणा है। लेकिन 10 रुपया भी अगर किसी दूसरे प्रकार से आप ले रहे हैं तो आप अजगर बनने के लिए तैयार रहिए, ये बात मिथ्या नहीं होगी। क्योंकि जो आपको पैसा दे रहा है वो समझ के दे रहा है कि मैं किस चीज़ का पैसा दे रहा हूँ। तो देखिए, बिना किसी से सलाह लिए और बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति से सलाह लिए अगर आप लहसुनिया धार कर लेते हैं तो इसका नुकसान भी हो सकता है। ये रत्न आपके लिए अगर अशुभ है तो जीवन पर इसके काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। लहसुनिया पहनने से दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, किसी रोग या बीमारी के कारण शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। और मैं यहाँ तक बताऊँ कि लहसुनिया कैट आई पहनने वालों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अचानक ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नसें फट जाती हैं दिमाग की और व्यक्ति कोमा में चला जाता है और फिर उसका निकलना भारी होता है। भाई मैं तो सच बात बताऊं, अगर 500 लोगों को देखता हूं तो उसमें 1 लोगों को ही लहसुनिया बता पाता हूं, इससे ज़्यादा लोगों को बताने की मेरी हिम्मत नहीं होती है। मुझे लगता है कि लहसुनिया फायदा करेगा, लेकिन अगर 1% भी हमारे मन में ये बात है कि नहीं हो सकता ये नुकसान कर दे तो मैं नहीं लिखता हूँ। आदमी कहता रहे लेकिन मैं नहीं लिखता हूँ, क्योंकि फायदा न किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नुकसान कर दिया तो उसकी भरपाई कौन करेगा, प्रभु के यहाँ दोषी हम होंगे। अगर कोई व्यक्ति जिसे लहसुनिया सूट नहीं करता है और उसने लहसुनिया धारण कर लिया है तो एक तो उसका स्वभाव उग्र हो जाता है, क्योंकि तमोवत केतु यम फलम, केतु जो है वो मंगल की तरफ फल देता है। वो व्यक्ति हिंसक हो सकता है, हिंसा कर सकता है। लहसुनिया अगर आपने धारण कर लिया है और नौकरी करते हैं तो आप ऐसी उद्दंडता करेंगे कि आपके नौकरी पे संकट आ जाएगा, पैसे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन में भी कलेश की स्थिति लहसुनिया के कारण होती है।
तो कहने का मतलब यह है कि लहसुनिया को देखिए बैदूर्य मणि कहते हैं, जब ये सुप्रभाव में होगा और ये ऐसे ग्रह के स्थान में होगा जो ग्रह बलवान और आपके लिए सबल होगा, तो लहसुनिया आपके लिए शुभकारी होगा। लहसुनिया भी कई प्रकार के आते हैं, एक लहसुनिया तो 10-20-100 रुपए रत्ती का आता है, लेकिन एक लहसुनिया होता है कनक खेत लहसुनिया, उसका नाम है कनक खेत लहसुनिया। उसको आप देखेंगे ना तो उसमें जरा सा उसको आप घुमाएंगे तो बिल्ली की आंख की तरह पूरा मतलब कि आंख पलटती हुई नजर आएगी, बड़ा सुंदर रत्न होता है और काफ़ी महंगा होता है और इसका प्रभाव भी अति शीघ्र व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। लेकिन लहसुनिया का प्रभाव जब आपके लिए शुभकारी हो तभी आपको लहसुनिया धारण करना चाहिए, वरना लहसुनिया नीलम ये दो ऐसे रत्न हैं जिन्हें बिना किसी विशेषज्ञ के परामर्श के नहीं धारण करना चाहिए। ऐसा है ना कि जैसे पोटेशियम साइनाइड सबसे बड़ा दुनिया का जहर है और ये लिखा हुआ है कि पोटेशियम साइनाइड, विज्ञान ने प्रूफ किया है कि पोटेशियम साइनाइड ऐसा जहर है कि अगर इसको किसी के जीभ पर रख दिया जाए तो आदमी स्वाद नहीं बता सकता है कि इसका स्वाद कैसा है, उसके पहले मर जाएगा, मतलब विद इन ए सेकेंड मर जाएगा। तो क्या अब जरूरी है कि हम साइनाइड को चक करके जाने कि ये मारेगा? हमें उन बातों को मान लेना चाहिए, उन रिसर्च को मान लेना चाहिए कि हाँ भाई ये सबसे बड़ा जहर है और उससे हमें दूरी बना के रखना चाहिए। अगर हमें पता है कि लहसुनिया और नीलम ये दोनों भयंकर परिणाम भी देते हैं, अगर ये राजा बनाते हैं तो ये रंक बनाने की भी हिम्मत रखते हैं, तो जरा इसके प्रति हमें क्या सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? बरतनी चाहिए ना। और कुछ लोगों को देखता हूं कि चारों उंगलियों में रतन भर लेते हैं, फकीरी रतन चारों उंगलियों में, एक में कुछ, एक में कुछ, एक में कुछ, एक में कुछ, सब उंगलियों में रतन भरे हुए, क्या है भैया ये? इससे आप चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे? इससे आप बड़े विद्वान बन जाएंगे? इससे आपकी ऊर्जा बदल जाएगी? अरे यार, अंतःकरण का जब परिवर्तन होगा ना तब आपके जीवन में परिवर्तन होगा, बाह्य परिवर्तन से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए कब और किस परिस्थिति में लहसुनिया धारण करना चाहिए ये आपको बस थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको लहसुनिया रत्न के चमत्कार और उससे जुड़ी हर वो जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत और बिना सावधानी के धारण किया गया रत्न आपकी जिंदगी को मुश्किलों से भर सकता है। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से ही जानते हैं कब और किस परिस्थिति में लहसुनिया रत्न को धारण करना चाहिए। पंडित जी, आपने महत्व भी बताया और आपने ये भी बताया कि विशेषज्ञ का जानना, कई बार विशेषज्ञ भी गलत जानकारी देते हैं। मैंने कई बार अपने आसपास लोगों को ये महसूस भी किया है, गलत जानकारी मिल जाता है और वो भुगतते हैं। तो पंडित जी, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताएं कि महत्व के साथ साथ कब और कैसे धारण करना चाहिए। देखो, अगर आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी में, आपके कारोबार में बार बार रुकावट आ रही है, या आपके बाएं पैर में चोट लग रही है, या छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तरक्की के सभी दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है। अगर बाएं अंग को प्रभावित कर रहा है तो केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है। अगर आपके ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, ब्रेन की सर्जरी होने के लिए डॉक्टरों ने बोल दिया है, तो पक्का है कि केतु आपके लग्न में होगा। ऐसे में केतु का रत्न लहसुनिया न पहन करके केतु के मंत्र का 75,000 जप करवाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में केतु केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्र का मतलब पहला, चौथा, सातवां और दसवां स्थान, त्रिकोण का मतलब पांचवां और नौवां स्थान,
और केतु पहले दूसरे चौथे पांचवें सातवें नौवें या दसवें भाव में हो तो लहसुनिया धारण करने से लाभ मिल सकता है, लेकिन चंद्रमा से भी केतु को देखिए कि चंद्रमा से केतु कौन से स्थान में है। अगर चंद्रमा से केतु छठा आठवां बारहवां है तो भूल करके लहसुनिया का लाभ ही मत कहिए किसी के लिए, नहीं तो वो भयंकर नुकसान करेगा। सारी चीजों का जब तक सम्यक समावेश नहीं होगा, जब तक आप किसी चीज को सम्यक तरीके से नहीं देखेंगे, एक दृष्टि से देखेंगे, तो ज्योतिष के साथ अन्याय होगा। आप किसी की कुंडली उठा के देख लीजिए, उसमें अल्पायु योग भी होगा, मध्यायु योग भी होगा, दीर्घायु योग भी होगा। अब उसमें आप डिसाइड करिए कि ये अल्पायु योग प्रभावित होगा कि मध्यायु योग प्रभावित होगा कि दीर्घायु योग प्रभावित होगा, इसमें आपका विवेक काम करेगा। और अगर आपका विवेक यही है कि अल्पायु योग है तो आप हंसी के पात्र हो जाएंगे, मध्यायु योग है तो हंसी के पात्र हो जाएंगे, पूर्णायु योग है तो हंसी के पात्र हो जाएंगे। इसको पूरे लगन के साथ आप डिसाइड करिए कि इसमें कौन सा फैक्टर मजबूत है। क्या बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि है? क्या बृहस्पति लग्न में विद्यमान है? क्या बृहस्पति लग्नेश को देखता है? अगर हाँ तो चाहे जैसी कुंडली है वो दीर्घायु होगा। क्या लग्नेश लग्न को देख रहा है? क्या लग्नेश शुभ ग्रहों के साथ है? तो हाँ वो दीर्घायु होगा। और यदि लग्नेश पर पापक ग्रहों की दृष्टि है, लग्न पर पापक ग्रहों की दृष्टि है, लग्नेश पीड़ित है, अष्टम भाव का स्वामी पापस्थान में बैठा हुआ है तो अल्पायु है। तो कहने का मतलब, जब तक किसी चीज को आप सम्यक तरीके से समझ ना लें, तब तक उस पर कोई रत्न बताना और किसी तरह का निर्णय लेना, ये सामने वाले के लिए कम से कम न्याय नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में किसी भाव में मंगल बृहस्पति या शुक्र के साथ युति बना रहा हो, ऐसे लोगों को लहसुनिया धारण करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में केतु अशुभ है और केतु की महादशा चल रही है, ऐसे लोगों को लहसुनिया धारण करने से लाभ तो मिलता है, लेकिन उतने समय तक जितने समय तक केतु की स्थिति है। जो लोग गुप्त रोग या नेत्र रोग से परेशान हैं, उनको लहसुनिया धारण करना चाहिए। जिन लोगों का अध्यात्म मन नहीं लगता है, उनको केतु का धारण करना चाहिए। केतु की खासियत आपको बता दें, केतु अगर बारहवें भाव में किसी की कुंडली में हो तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति शिव पार्वती का उपासक होता है। और केतु अगर किसी की कुंडली में कारकान से पंचम व नवम भाव में बैठा हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा ज्योतिषी होता है। कारकान से स्थिते केतव नवमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारदः। ये बृहत पाराशर होरा शास्त्र का कारकांश प्रकरण का 103वां श्लोक है। कारकान से स्थितव केतव नवमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारदः। ज्योतिषी कोई पढ़ करके नहीं बन सकता है, ये मेरा पूर्ण रूपेण चैलेंज है। ज्योतिषी बाई बर्थ पैदा होता है, ज्योतिषी बाई बर्थ पैदा होता है, भविष्य वक्ता बाई बर्थ होता है। उसकी कुंडली में जब योग होते हैं तभी उसकी वाणी सफल होती है और तभी उसके उपाय दूसरों के लिए हितकारी होते हैं। पुस्तकों का ज्ञान करके आप ज्योतिष की विधा को समझ सकते हैं, लेकिन आपकी भविष्यवाणी भी सही होगी ये बिल्कुल असंभव है। ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये इष्ट कृपा का विषय है। जिसके साथ इष्ट की कृपा होगी, जिसके साथ इष्ट का वरदान होगा और जो उसी योग में पैदा होगा, जिस योग में भविष्यवक्ता पैदा होते हैं, उसी की बात सफल और सार्थक होगी। वृषभ मिथुन कन्या तुला मकर और कुंभ लग्न वाले लहसुनिया धारण कर सकते हैं। कारोबार में बहुत मेहनत के बाद भी अगर फायदा नहीं हो रहा है तो सलाह लेकर के लहसुनिया धारण करें।
जिन लोगों को शेयर बाजार में बहुत घाटा हुआ है, ऐसे लोगों को भी लहसुनिया धारण कर लेना चाहिए। जो लोग जोखिम भरे क्षेत्रों में पैसे कमाते हैं, उनको भी लहसुनिया धारण करने से लाभ मिलता है। दिया हुआ उधार पैसा फंस गया है तो लहसुनिया धारण करने से लाभ मिलेगा। तो किन राशि वालों को लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए? क्या गर्भवती महिलाएं या कमजोर हृदय वाले लोग लहसुनिया धारण कर सकते हैं? क्या किसी दूसरे रत्न के साथ लहसुनिया पहना जा सकता है? ये सब महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और ये सब मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो लहसुनिया किन लोगों के लिए शुभकारी साबित होगा ये तो आपको पंडित जी ने बता ही दिया, लेकिन किन लोगों को भूलकर भी लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए और ऐसे कौन से रत्न हैं जिनके साथ लहसुनिया पहनने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है, ये भी हम जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने जिक्र कर ही रहे थे कि कई लोग मैं भी देखती हूँ 5-6 रत्न धारण किए होते हैं, अब मुझे नहीं पता कहाँ से जानकारी आती है। तो क्या एक साथ बहुत रत्न धारण करने का नुकसान होता है? और जैसा कि लहसुनिया की बात की आपने कि ये बहुत लाभ भी पहुंचाएगा, तो लहसुनिया अगर धारण करते हैं तो कौन से रत्न साथ में धारण करने चाहिए और कौन से नहीं? देखो, ऐसा है ना कि जो लोग बहुत रत्न धारण करते हैं और परस्पर विरोधी ग्रहों के रत्न धारण करते हैं, उनका तो पतन सुनिश्चित है। और जो लोग सभी उंगलियों में रत्न पहने होते हैं ना, उनको हमने या तो भीख मांगते हुए देखा है, या बैल लेकर घूमते हुए देखा है, या लोगों को नजर का झाड़ा लगाते हुए देखा है, और हर उंगली में उनकी अंगूठी होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेष, सिंह, धनु और मीन राशि वालों को लहसुनिया भूल करके भी नहीं धारण करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को, कमजोर हृदय और मस्तिष्क वाले लोगों को भी लहसुनिया नहीं धारण करना चाहिए। कुंडली में केतु दूसरे, सातवें, आठवें या बारहवें भाव में हो तो लहसुनिया भूल करके भी धारण न करें। लहसुनिया को किसी भी दूसरे रत्न के साथ धारण न करें। लहसुनिया को भूल करके भी पुखराज, माणिक के हीरा और मोती के साथ धारण करने से नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं, सोच समझ लीजिएगा। हाँ, दोष युक्त लहसुनिया पहनना कितना खतरनाक हो सकता है, इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, दोष युक्त लहसुनिया को कैसे आप पहचान सकते हैं, ये सब भी मैं जानकारी आपको अभी दूंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कई बार मैंने भी देखा है और बहुत बार अनुभव किया है, हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं रत्न को लेकर, बहुत जल्दबाजी रहती है, लोगों को ज्ञान का अभाव रहता है। और आप कई बार अवेयर कर रहे हैं, आपने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जी कई बार क्या होता है, हम लोग तेवर दिखाने में कि अच्छा देखते हैं क्या हो जाता है, उसका कितना दुष्प्रभाव होगा। लहसुनिया जो कि आपने बोला इतना लाभ देगा जिसके कुंडली में, और खास तौर पर अगर दोष मुक्त की बात की जाए, तो कैसे समझें इसको और किस लोगों को ऐसे में धारण करना चाहिए? देखो, ऐसा है, सही बात तो ये है, कुल मिलाकर के एक लाइन में सारांश कहूंगा, अनुभवी बुद्धिमान व्यक्ति के परामर्श के बिना लहसुनिया का लभ ही नहीं कहना चाहिए, पहनना तो बड़ी बात। जिस लहसुनिया में चमक ना हो उसे धारण करने से धन का नाश होता है। लहसुनिया में अगर कोई छेद दिखाई दे रहा है या वो हल्का सा क्रेक है, खंडित है, तो उसको पहनने से तत्काल विरोधियों की संख्या बढ़ जाती है। लहसुनिया में 4 या 4 से ज़्यादा धारियां अगर हैं तो वो हानिकारक होती हैं। लहसुनिया में सफ़ेद दाग हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है, पत्नी पर भी संकट आ सकता है। लहसुनिया में शहद के समान छींटे हों तो कारोबार में नुकसान हो सकता है। लहसुनिया में धब्बा हो तो रोग बढ़ते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लहसुनिया सूट करता है और किसी विशेषज्ञ ने परामर्श दिया है, लेकिन अगर वो विशेषज्ञ खुद लहसुनिया बेच रहा है, तब आप मत मानिएगा कि लहसुनिया आपको फायदा कर रहा है। दुकान पर जाकर अगर आपको लहसुनिया खरीदने का अवसर मिल रहा है, तो आप मान लीजिएगा कि लहसुनिया फायदा करेगा। और अगर वही कह रहा है कि नहीं, लहसुनिया मैं दे दूंगा आपको, तो आप मान लीजिएगा कि लहसुनिया कहीं ना कहीं से आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आपका ग्रह नहीं उतरेगा, उसका ग्रह जरूर उतर जाएगा। तो लहसुनिया, कैट आई लहसुनिया,
कैटाई को लहसुनिया कहते हैं, इसमें कनक खेत एक लहसुनिया आती है। कनक खेत लहसुनिया बहुत मनोहर होती है, इसको देख करके ही मन में प्रसन्नता आती है। अगर आपको लहसुनिया सूट करता है तो कनक खेत लहसुनिया बनवा करके आप उसे धारण कर सकते हैं। अब लहसुनिया रत्न के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, लेकिन इससे जुड़ी कुछ और ख़ास महत्वपूर्ण बातें जो आपको बताना बाकी है उसे भी मैं अभी बताऊंगा एक राशि बताने के बाद। तो अभी तक का शो देखने के बाद आपके मन में कई सवाल होंगे, और सच कहूं तो मेरे मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं, जैसे कि कितने रत्नी का लहसुनिया सबसे शुभ माना जाता है, लहसुनिया को किस दिन, किस उंगली और किस धातु और किस तरीके से पहनने का विधान है। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब पंडित जी से ही जान लेते हैं। पंडित जी, ये तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अक्सर लोग पंडित जी के पास जाते हैं, पूछते हैं कितने रत्नी का पहने, कैसे पहने, वक्त का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बताएं आप। देखो, 9 से 11 रत्नी का लहसुनिया धारण करना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन ये पूरे प्रौढ़ व्यक्ति के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों को अगर लहसुनिया धारण करना बहुत जरूरी है तो बच्चों को 4 रत्ती से ऊपर का लहसुनिया नहीं धारण करवाना चाहिए। लहसुनिया को शुक्ल पक्ष में शनिवार या मंगलवार के दिन प्रातःकाल या सायंकाल धारण किया जा सकता है। लहसुनिया को दाहिने हाथ की मध्यमा या छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। लहसुनिया को हमेशा चांदी धातु में जड़वा कर पहनने से लहसुनिया की अंगूठी, ब्रेसलेट या गले में धारण किया जा सकता है। लहसुनिया धारण करने से पहले इसे दूध, पानी, शहद और घी मिलाकर साफ करें, फिर गंगा जल से लहसुनिया को शुद्ध करके ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 10 माला जप करके तब इसे धारण करें। मोती के साथ लहसुनिया भूल करके भी धारण न करें। अगर आपने मोती पहना है तो अगर आप लहसुनिया पहनेंगे तो ये चंद्रमा का ग्रहण दोष हो जाएगा और आपकी बुद्धि विनाशकारी हो जाएगी। आप ऐसे ऐसे निर्णय लेंगे, आत्मघाती निर्णय लेंगे, जो आपके जीवन को नरक बना देंगे। इसलिए भूल करके भी मोती के साथ लहसुनिया न पहने। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की अब शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं वो खास उपाय जो आपके नए घर में सुख, शांति, बरकत और खुशियों का वास कराएंगे, बताएं पंडित जी। देखिए, नए घर में प्रवेश करते ही अगर आपकी सेहत बिगड़ रही है, नए घर में आते ही आपकी नौकरी और कारोबार में नुकसान हो रहा है, परिवार के सदस्यों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि नया मकान अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो मकान में पीले रंग के पर्दे कुछ समय के लिए लगा देने चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का घोल बना करके तिलक लगाना चाहिए और इससे बृहस्पति मजबूत होगा और नए घर के अशुभ प्रभाव कम होंगे। घर में वेंटिलेशन ना होने के कारण अगर वास्तु दोष है और इसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं तो सफ़ेद वस्तुओं का दान करिए। सुबह सूर्य की रोशनी भी घर में नहीं आती है तो घर में हल्के रंग का ही पेंट करवाइए। सोमवार को खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। नए घर में जाते ही रोजगार पर संकट है तो शनिवार को सरसों के तेल का दान करिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको राहत प्रदान करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, देखिए, तमाम परेशानियों से बचने के लिए मैं आपको एक मूल मंत्र बताना चाहता हूँ। वो मूल मंत्र ये है कि आप खूब विश्वास करिए कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु हमारे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं और भगवान मेरे लिए कुछ बुरा नहीं होने देंगे। ये बात अपने मन के कोने कोने में बैठा लीजिए। जैसा आप बार बार चिंतन करेंगे उसी तरह से आपका जीवन बनेगा। क्योंकि एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मनुष्य प्रारब्ध के अधीन नहीं है। इसलिए आप जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही फलादेश होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
वही पंडित जी हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि कल का बहुत खास सेगमेंट होगा। हाँ, कल छठ पूजा है और जो पूरे भारत में अब तो छठ पूजा मनाई जाती है, कल शाम का अर्घ भी है, कल इस पर हम विशेष कार्यक्रम बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, कल भी एक अच्छे विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होंगे और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए।